आज हमारे के तत्वाधान में श्री टोला स्थित पंचायत भवन में आज इस बैठक में अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बड़े भैया राजेश्वर पासवान जी, संचालन करते हुए हमारे सुरेंद्र आजाद जी और तमाम यहां मंच पे आसीन सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, साथ ही सभी प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत के पंचायत, सभी पंचायतों के पंचायत अध्यक्ष महोदय एवं तमाम दूर दराज से आए हुए छात्र, नौजवान साथी एवं महिला, आप तमाम लोगों को इस अवसर पे हम सभी को प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका जयंती है, हम आपके इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि पुरुष ही नहीं थे और एक सिर्फ नेता ही नहीं थे, बल्कि महापुरुष के तौर पे जाने जाने वाले तमाम वर्गों के वो नेता, वो शुभचिंतक और मार्गदर्शक भी थे। माननीय हमारे चिराग पासवान जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चलते हैं, जिनके आदर्शों पे चलते हैं, वही स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आधार पे चलते हैं और नक्शे कदम पे चलते हैं। भाइयों, आपको कहना चाहते हैं, जलाना चाहता हूं जो सदियों से अंधेरा था, कहीं ना कहीं वो दिया जलाने के लिए हमारे बीच जो माननीय पासवान जी, आज भी जो घर में दिया नहीं जला है उस घर में दिया जले और उसी बात का, उसी जो उनके अंदर विचार था, उस विचार को देखते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने हर घर में दिया जलाने के लिए जो संकल्प लिए आए, उस संकल्प का नाम है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। देखिए इधर, स्वर्गीय राम विलास पासवान अमर है, लोजपा के संस्थापक अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, दलितों के महर्षि हैं अमर रहे, लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास हाथी गुंजे आसमान, राम विलास पासवान, हाथी गुंजे आसमान, राम विलास पासवान, आंधी आया तूफान, राम विलास पासवान। बिहार आदरणीय हम लोग के लोजपा को और दलित सेना के संस्थापक, हमारे पार्टी के मसीहा, सभी गरीबों के मसीहा है, मसीहा को, और आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादगार देश में, पूरे देश के लोग दूसरा अम्बेडकर के रूप में मानते थे, और जिस तरह से आज तक जितना दिन भी ये रहे एक उनकी अलग पहचान बन करके रहे और सभी गरीबों को उत्थान के रूप में ये कार्य करते रहे। और साथ ही साथ आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जिस तरह से दलित, पिछड़ा, शोषित गरीबों के साथ साथ स्वर्ण गरीबों के जो आरक्षण मुहैया कराया, एक देश में उदाहरण के रूप में देखते हैं। और मैं आज इनके जन्मोत्सव पर, जन्मदिन पर यही कहना चाहूंगा, हमारे लोजपा के जितने पदाधिकारीगण हैं, सभी लोग एकजुटता के साथ उनके जो आदर्श हैं, जो उनके सिद्धांत थे, जो उनका सपना था, हमारे लोजपा पार्टी के सभी लोग सपना साकार करने को तुले हुए हैं, और उनके पुत्र जो सचमुच
एक पूरे देश का चिराग के रूप में आदरणीय चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पूरे देश के चहेता बने जा रहे हैं। और हम लोग जिस तरह से इनका सिद्धांत था गरीबों की सेवा, और बिहार में भी जितनी आपराधिक घटनाएं हो चाहे जो भी जन समस्या है उनका उत्थान के लिए हमारी पार्टी दिन रात कार्य कर रही है। और इनका नाम आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम हमेशा अमर रहेगा। और आज इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मांग करूंगा कि इनका प्रतिमा संसद भवन में भी लगाया जाए, क्योंकि रामविलास पासवान जी बेदाग छवि के जिस तरह से हमारे जो भी प्रधानमंत्री है, चाहे अटल जी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे जो भी हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, जिनके शासनकाल में भी काम किए, जिस मंत्रालय में काम किए, उस मंत्रालय को चमकाने का काम किया है और भारत के मानचित्र पर लाने का काम किया है। और भारत के पहला मंत्रालय और हमारे नेता थे जो बेदाग छवि के थे, आज तक कोई इन पर उंगली उठाने का दुस्साहस नहीं किया। उन वे चरित्रवान थे और नीति सिद्धांतों पर चलने का काम करते थे। आज हम सबके सर्वमान्य नेता लोक जनशक्ति पार्टी और दलित संस्था के संस्थापक अध्यक्ष पुण्यात्मा और भारत के पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित नेता की हम 77वां जयंती समारोह बहुत ही धूमधाम से आदरणीय जिलाध्यक्ष बड़े भाई राजेश्वर पासवान जी की अध्यक्षता में हम लोग भोजपुर में मना रहे हैं। और इनके सपनों का आज धरती पर नहीं है, दुख के साथ हम कह रहे हैं कि इनकी कमी हम लोगों को आजीवन खलेगी, लेकिन इनका जो सोच था बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, इनके सुपुत्र और बिहार की विभूति, बिहार के जन जन के नेता आदरणीय हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बढ़ा रहे हैं और मिशन को हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जी तो अब क्या कि रामविलास जी के जाने के बाद जिस तरह से चिराग पासवान उनका सुपुत्र है, तो अब ये नारा का रूप क्या है? अब तो ये नारा चिराग जी बिहार के लिए कर रहे हैं, आम जन की नेता लगा दे हैं, बिहार की सोच को डेवलप कर रहे हैं, बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट के इस विजन को हम लोग आगे जन जन तक घर घर पहुंचा रहे हैं। रामविलास जी की इच्छा थी कि हर पिता चाहता है कि हमारा पुत्र हमसे भी बढ़कर काम करे, उनके सपनों का बिहार बनाने के लिए चिराग जी ठान लिए हैं और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। आज कार्यक्रम का है हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का 77वां जन्म हमरोह मनावल जा रहा बा। जैसे जिला भाई जिला मान तो प्रदेश में भी मनिए रहा, हम लोग अपना जिला का पूरा जिला से प्रदेश से भी एक दो आदमी है, हम लोग अपना यह जिले में मना रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी का जन्म तो पासवान जी का, इसलिए संगठन में हम लोग अपना मजबूती से हम लोग खड़े हैं और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग चाहेंगे जैसे भी हो आगे हम 2025 में हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान को देखना चाहते हैं। आज श्री टोला सामुदायिक भवन में हमारी पूरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पूरी टीम आज यहाँ पे हमारे आदरणीय पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी की 77वीं जयंती मनाने का कार्य किया जा रहा है।